मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आज बात करने वाला हूं, जो आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में होगी, किसी के अंदर थोड़ी कम, किसी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा होगी। वो है एंगर, गुस्सा। चाहे हम अपनी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करें, चाहे अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करें, चाहे अपने मन में रखें, अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है। है ये गुस्सा एक प्रॉब्लम है? Yes. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो गुस्सा है ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? कितने लोगों को ये बात पता है? सबको पता है ये आपकी रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे दो फ्रेंड्स का हो। वो रिलेशनशिप को अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। एक सेकंड का गुस्सा आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को एक सेकंड में तहस नहस कर सकता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है वो एक सेकंड का गुस्सा, अगर गलत टाइम पे वो आ गया तो, गलत जगह पर, गलत इंसान के सामने आ गया तो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे बात नहीं करेंगे, अंदर डीप में जाने वाले हैं और कैसे जड़ से इसको उखाड़ सकते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे नहीं, कुछ सिचुएशंस में नहीं, बल्कि हर सिचुएशन गुस्से को पूरी तरह से हटा सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? सबको आता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनना, हो सके तो अपने अंदर तक जाने देना, क्योंकि जब तक इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मरते दम तक नहीं निकाल सकते। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। आप सब लोग जिन्होंने भी अभी अभी अपने हाथ ऊपर करे थे, जाने या अनजाने झूठ बोल रहे हो। आपको गुस्सा नहीं आता है। अब मैं यहां पे हिप्नोटाइज नहीं कर रहा आप लोगों को, मैं रियलिटी के बेस पर बात कर रहा हूं, तो पूरा समझ लेना मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं कोई बाबा नहीं हूं, बेटे तुम्हें गुस्सा नहीं आता, कृपा होगी, कृपा होगी, कृपा होगी, वो नहीं कर रहा। कोई थियोरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल। कि जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ ऊपर किया और बोला कि मुझे गुस्सा आता है, सब झूठ, सब बकवास, कोई गुस्सा नहीं आता आप लोगों को। आप लोग जानबूझ करके, एक्सेप्ट करना है इसको, सुनना है ध्यान से, आप लोग जानबूझ करके, सोच समझ करके, अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो। इस सच को समझने की कोशिश करना, अभी मैं इसके बहुत डीप में जाने वाला हूं। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है, मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया टॉयलेट आया तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता इस पूरी दुनिया में। लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं है, आया किसी को कोई बात नहीं, बाहर जा सकते हो। किसको आया वैसे, मैं शक्ल तो देखो, बाकी सब हंस रहे होंगे, वो सीरियस बैठा होगा, अलग ही पता लग जाएगा। तो गुस्सा क्या है? ये डांस के जैसा है भाई। कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है? डांस आया है, डांस आप करते हो, आपका मन करे तो आप डांस करो, मन करे 10 घंटे करो, मन करे रुक जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो, समझ रहे हो? और किस बेस पे मैं ये बात बोल रहा हूं, आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है? क्या नाम है आपका? जय। तो जय भाई, कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बॉस है उन्होंने बिना बात पे, किसी वजह से उनका मूड खराब था घर पे, या किसी भी वजह से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिना बात के आपकी, बिना किसी गलती के जबरदस्ती आकर के आपको डांट दिया? कई बार हुआ है, और बहुत लोगों के साथ तो रोज होता होगा, रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कुत्ता मर गया, आकर के सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया, होता है, सबके साथ होता है। मतलब कि आपकी कोई गलती ही नहीं है और बेवजह आकर के आपको बुरी तरह से झाड़ा जा रहा है, वहां पर बुरी तरह से आपकी इंसल्ट करी जा रही है 10 लोगों के सामने खड़े होकर के। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो? अपने उस कंपनी के ओनर को मारते हो, पीटते हो, अपनी आंखें लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए, खबरदार। कोई भी है जो ऐसा करता है? एनीबॉडी? कोई नहीं करता। तो क्या करते हैं उस समय? हम
चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े रहते हैं और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से, यही करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में हैं और आप में से कितने लोग मैरिड हैं जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं? 2 बच्चे, 2, 2। तो आप अपने घर में बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो रोता रोता आपके सामने आया कि पापा वो भैया ने मुझे मारा 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 मारा, उस वक्त आप क्या करते हो? जा करके अपने बॉस का गुस्सा भी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े बच्चे के ऊपर निकाल देते, बिना ये समझे कि उसकी गलती है भी या नहीं है। हो सकता है वो छोटा बच्चा झूठ बोल रहा हो। आप में से कितने लोग हैं जो छोटे हैं अपने घर में, मतलब कि उनका कोई बड़ा भाई है बड़ी बहन है, तो आप लोगों ने खूब झूठ बोला होगा, खूब पिटवाया होगा अपने बड़े भाई बहन को, सब करते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे उस बंदे की, बिना किसी गलती के हम जा करके उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकाल देते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको बोलते हैं दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और कभी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए तो उसको मार देते हैं, 2-3 लगा देते हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखो इन 2 सिचुएशंस को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से। सिचुएशंस 2 हैं, एक जगह पर जहां पर आपको अंदर से पूरे तरीके से गुस्सा आ रहा है, उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नुकसान है। आपको पता है कि भैया बॉस के आगे अगर मैंने गुस्सा किया, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आंखें दिखा दी उसको बॉस को तो मेरी वॉट लग गई, मेरी नौकरी गई, उसके बाद में मैं अपनी गाड़ी की ईएमआई कहां से भरूंगा, अपने घर की ईएमआई कहां से दूंगा, बच्चों के स्कूल की फीस कहां से आएगी, क्या करूं? तो गुस्सा हमने नहीं किया अपनी मर्जी से। दूसरी तरफ वो जो बच्चा है छोटा सा, हमें पता है कि वहां हमारा कोई नुकसान नहीं है, अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो ये कहां जाने वाला है? क्या घर छोड़ के चला जाएगा? क्या पलट करके मुझे मारेगा? क्या गालियां देगा? क्या करेगा? डर जाएगा। तो जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा करते हैं, और जहां जोर नहीं चलता और जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली बन करके खड़े रहते हैं। ये आदत पड़ गई है, हमारी हैबिट बन गई है। अगर इस हैबिट को हम सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लो ही ना, आप बोलते रहो मुझे तो गुस्सा आता है आता है आता है, तो भैया टॉयलेट आता तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। आता है, मुझे डर लगता है, तो जब लगता है तो उसके अंदर तो आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब लगता है तो डरना ही पड़ेगा। बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मुझे डर लगता नहीं है, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से डरता हूं, तो आपके हाथ में कंट्रोल है। जब आप अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो तो अब आपके हाथ में कंट्रोल है कि गुस्सा ज्यादा करना है, कम करना है या नहीं करना है। डर में भी आपके हाथ में कंट्रोल है कि ज्यादा डरना है, कम डरना है या नहीं डरना है। आप ऐसे कितने लोगों ने बचपन में बहुत हॉरर मूवीज देखी हैं, डरावनी मूवीज देखी हैं, और क्या कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? स्पेशली आप लोगों के साथ ज्यादा हुआ होगा जिन्होंने अभी अपना हाथ ऊपर किया है, क्योंकि मैंने भी बचपन में बहुत देखी है हॉरर मूवीज। कि रात का टाइम हो गया है, करीबन 12-1 बजे हुए हैं और सब लोग सो गए हैं घर में, और आप ऊपर से अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पीछे कोई है। हुआ है ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? और हम जल्दी जल्दी भागने लग गए, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हुआ है? जरा सोचो, आपको गलतफहमी क्या हो गई है कि मुझे डर लग रहा है, जबकि आप जानबूझ करके अपने मजे के लिए डर रहे हो। और सोचो, अगर डर में मजा नहीं होता तो लोग हॉरर मूवीज क्यों देखते हैं? सोचो, डर में, गुस्से में, इन सब चीजों के अंदर एक थ्रिल है, एक पावर है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो, मजा आता है, बीच बीच में किक मिलती है, बड़ा मजा आता है, एक्साइटमेंट है। इसलिए आप अपनी मर्जी से जानबूझ करके डरते हो, जानबूझ करके गुस्सा करते हो, और जितनी भी कमियां हैं आपके अंदर वो सब जानबूझ करके करते हो। सिर्फ इतनी सी चीज को एक्सेप्ट करना है, इतनी सी चीज को समझना है। तो होता क्या है
कि जब हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से और हमारे पीछे कोई आ रहा है, और स्पेशली जब हमने कोई डरावनी पिक्चर देखी है तो जा करके बेड पे भी लेट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हाथ आएगा और आकर के गर्दन पकड़ लेगा। होता है ऐसा भी होता है, उस दिन बड़ा डर लग रहा होता है, मम्मी मम्मी क्या हो रहा है, 18 साल के बच्चे को मम्मी याद आ जाती है। तो करना क्या है अगर मेरी इस बात को समझना है तो, कि भैया आपको डर नहीं लगता, आप जानबूझ करके डर रहे हो, और अगर यकीन ना हो तो अगली बार जब आप रात को अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे होगे और आपको लगेगा कि पीछे भूत है तो पलट करके देखो, देखो पलट करके, आपको पता लग जाएगा मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं। देखो भैया दो ही चीजें होंगी, या तो वो भूत सच में होगा, मान लो है, तब भी अगर आप पलटे तो आपका फायदा है नुकसान है? फायदा है भाई, वो तो वैसे भी आपको मारने ही वाला है ना, वो तो वैसे भी आपको खाने वाला है डिनर में, तो एटलीस्ट अगर आप पलटे तो आपके पास में चॉइस तो है, उसे लड़ने की चॉइस तो है भाई, कुछ कर तो सकते हो। अगर वो आपकी गर्दन पे दांत मारेगा तो आप भी जाकर के उसकी गर्दन पकड़ सकते हो, क्यों नहीं, चॉइस है। हनुमान चालीसा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा है या बुरा है, मैं बस ये कहूंगा कि उससे आपका डर बढ़ता है। पढ़ो, पढ़ने में अच्छा है, विश्वास है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मत समझो कि उससे डर कम होगा, क्योंकि डर से आप जितना लड़ोगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। भूत से आप लड़ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं। अरे भैया भूत हो तो लड़ो ना उससे, भूत कहां है, हमारे माइंड के अंदर है, जिसको आप जितना सच मानते चले जाओगे, जितना सच मानते चले जाओगे उतना ही वो पक्का होता चला जाएगा, उतना ही उसका एग्जिस्टेंस स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतनी ही उसकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। आज आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, कुछ दिन बाद आपको दिखने भी लग जाएगा, सिर्फ आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। हो क्या रहा है, ये भूत करते क्या है, ये आपसे आपकी पावर खींच लेते हैं, ये आपकी एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है। आपने एक मूवी देखी, उसमें कुछ इमेजिन किया, अगर सोचो एक छोटे से बच्चे को जाकर के डराने की कोशिश करी जाए, वो डरेगा क्या, जिसने कभी कोई भूत की पिक्चर नहीं देखी, उसको बोलो भूत 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 कहेगा क्या होता है भूत, मुझे पता ही नहीं, जिसको बोलना नहीं आता। जो आपने लैंग्वेज सीखी बचपन में, उसमें आपको एक वर्ड मिला जिसको कहते हैं भूत, वो जाकर के आपके दिमाग में चिपक गया, और उस भूत को जब आपने एक मूवी के अंदर देखा तो उसकी एक इमेज आपके माइंड में बनी हुई है और उससे आप डर रहे हो। तो होता क्या है, आप जितना भी इससे लड़ोगे, जितना भी इसको कंट्रोल करोगे, जितना भी इससे भागोगे, ये उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। करना क्या है, ना लड़ना है, ना भागना है, ना डरना है, सिर्फ पलट करके उसको देखना है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक दिन पलट करके सीढ़ियों में उस भूत को देखना है और बोलना है कहां है, सामने आ, कहां है। और बिल्कुल ऐसे ही गुस्से के साथ करना है।